कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एक बहुत ही अच्छे वैकेंसी के बारे में। आप देख सकते हैं कि एसबीआई का अप्रेंटिसेस का वैकेंसी आया हुआ है, जो ये बहुत अच्छा वैकेंसी होता है। आपको एक और मौका मिल रहा है एसबीआई में जॉब करने का। यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो फॉर्म अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 6/7/2021 से लेकर 26/7/2021 के बीच में, इसके अप्लीकेशन के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और ये जो जॉब होगा, यहाँ देखिएगा, दी मंथ ऑफ दी अगस्त, मतलब ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, अगस्त में इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बारे में और भी हम डिटेल जानते हैं। और यहाँ देखिएगा, टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 6100 वैकेंसी है यहाँ पर। टोटल 6100 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2600 वैकेंसी के आसपास आपको यूआर कैटेगरी में मिलेगा। ठीक है, यूआर कैटेगरी में 2600, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देखेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखेंगे 6400, मतलब 3000 वैकेंसी जनरल के लिए है और 6100 वैकेंसी टोटल है यहाँ पे, 6100 वैकेंसी है। अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट यहाँ पे 28 साल होगा। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे 28 साल है। और यहाँ देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पे कितनी सीट है ये भी आपको दिया हुआ है, तो ये भी आप चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है। छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं 75 है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आप सीट को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शुरुआत में ही आप लोग को बता देता हूँ कि कहाँ पे कितनी सीट है। 800 सीट है आपका गुजरात में, देखिएगा 800 वैकेंसी गुजरात में है। ठीक है, 800 वैकेंसी हो गया गुजरात में। उसके बाद 100 वैकेंसी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में 200, मध्य प्रदेश में 75, छत्तीसगढ़ में 75, और वेस्ट बंगाल में 715, सिक्किम में देखिएगा 25, और अंडमान में देखिएगा 10 है। और उसके बाद देखिएगा, उड़ीसा में 400, हिमाचल प्रदेश में 200, यूटी में देखिएगा, यूटी में चंडीगढ़ में 25 है, जम्मू एंड कश्मीर में 100, और लद्दाख में 110 है, हरियाणा में 150, पंजाब में 365, तमिलनाडु में 90, पौंडीचेरी में 10 है, उत्तराखंड में 125, और तेलंगाना में 125, राजस्थान में देखिएगा 650 हो जाएगा, केरला में देखिएगा 75, उत्तर प्रदेश में 875, उसके बाद महाराष्ट्र में देखिएगा 375, गोवा में देखिएगा 50, अरुणाचल प्रदेश में 20 है, असम में देखिएगा 250, मणिपुर में देखिएगा 20 हो गया, मेघालय में देखिएगा 50 हो जाएगा, मिजोरम में 20 हो जाएगा, नागालैंड में 20 हो जाएगा, त्रिपुरा में 50 है, 20 है, बिहार में देखिएगा 50 है, झारखंड में 25 वैकेंसी है। ठीक है, बोकारो में 1 है। देखिएगा, अलग अलग जगह देख लीजिएगा वैकेंसी के बारे में। एज लिमिट जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे देखिएगा, मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम देखिएगा 28 साल है, और ये एज लिमिट कंप्लीट होना चाहिए 31/10/2020 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1992 के बाद का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बाकी सब कैटेगरी को जैसा मिलता है वैसे ही रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ नहीं मांगा गया है, और यहाँ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है 1 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर, और आपको 1 साल तक 15,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा खासा जॉब है, मुझे लगता है कि आप लोग को इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, और आगे देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एक आपका रिटन टेस्ट होगा और लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम होगा, 25-25 से हर सेक्शन में क्वेश्चन होंगे, 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा, और सीधा मेंस का एग्जाम होगा, केवल एक ही एग्जाम होगा, और लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, इंटरव्यू नहीं होगा यहाँ पे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और कुछ देखिएगा, यहाँ सेंटर देखिएगा, यहाँ पे सेंटर अंडमान में भी दिया हुआ है, और एग्जामिनेशन सेंटर देखिएगा अंडमान और निकोबार का, पोर्ट ब्लेयर हो गया, मणिपुर का, इम्फाल हो गया। तो सेंटर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं कुछ देर रोक के रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या टेलीग्राम पे मैंने इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, होम सेंटर भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार सेंटर दे देंगे तो आपका फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ पे लोकल लैंग्वेज चाहिए वहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म केवल 300 रुपये है, 300 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म है, तो बहुत कम है दोस्तों। आगे देखिएगा, आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे और भी कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ आपसे पूछा है, कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाना है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी था इस नोटिफिकेशन में सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, फोटोग्राफ चाहिए आपका, और रेड आई नहीं होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ब्लैक इंक के बॉल पेन से होना चाहिए सिग्नेचर, वाइट पेपर पे। ठीक है, स्कैनिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर का वो क्वालिटी बोला है कि अच्छा होना चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए,
और यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए और अपडेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अपडेट था, तो ये अच्छा वैकेंसी है, एक अच्छा मौका है आप लोग के पास है, और मुझे लगता है कि इस फॉर्म को आप लोग 100% फिल कीजिए, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है ये, इसके लिए आप लोग को फाइट करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।